हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ अभी, टॉपिक है यू एस देम, आप और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए राइट नाउ क्या है, कैसा सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, अपनी अपनी लाइफ में आप दोनों क्या कर रहे हो और आगे चलकर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और क्या वो आपको मैसेजेस देना चाहेंगे और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहेगी राइट नाउ। ठीक है, तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस रीडिंग है ये, कभी भी देखिए आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या आने वाला है आपकी लाइफ के लिए और आपके पर्सन की लाइफ के लिए, एक दूसरे के लिए कैसा फील कर रहे हो राइट नाउ और नेक्स्ट एक्शन जानेंगे। ओके, इम्पास ये आपके लिए कार्ड है। रिकवरी आपके पर्सन की तरफ से है। ट्रिकरी आपकी साइड से है। इंस्टिंक्ट आपके पर्सन की साइड से है। परसेवरेंस ये आपकी साइड से है। डिस्कवरी निकला था मेरे मुंह से वर्ड, तो ये कार्ड आ गया है फिलहाल, ये आपके पर्सन की साइड से है। एनलाइटनमेंट ये आपकी साइड से है। फॉरगिवनेस आपके पर्सन की साइड से है। वाओ, एंड परसेप्शन, बैलेंस, प्रेयर ये वाला कार्ड आप दोनों की साइड से है। गाइस, मुझे आपके पर्सन की तरफ से मुझे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला है अभी अभी। नो डाउट कि रिकवरी हो रहा है, डिस्कवर ये पर्सन लाइफ में कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फुल मून जब आया था इस पर्सन की लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ा है फुल मून के आने से। ये बहुत स्पीड में कुछ ना कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि फुल मून के आने से इस पर्सन को ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ था कि यस, ये किस जर्नी में है। उस जर्नी को शायद इस पर्सन ने डिस्कवर कर लिया है, बिकॉज मुझे यहाँ पर भी फुल मून दिख रहा है और मुझे यहाँ पर भी ना फुल मून का कार्ड, ये फुल मून यहाँ पर शो हुआ है। तो फुल मून पर ना इस पर्सन की लाइफ में सच में कुछ ऐसा, इसको इतना कॉन्फिडेंस इसने गेन किया है, एनर्जी गेन की है और मुझे लगता है कि डिवाइन ने इसको ब्लेसिंग्स दी है कि ये अब डिस्कवर कर ले कि ये एग्जैक्टली किस जर्नी में है ये पर्सन। ठीक है, कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ से गेट हो रही है और कहीं ना कहीं अब ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन को रिकवर किया जाए, क्योंकि इसको शायद से अब पता लग गया है कि आपके साथ इसका बॉन्ड बहुत स्पेशल है। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उन्हीं को ये रीडिंग मैच कर सकती है। ठीक है, तो यस, भगवान ने इसको एक चाबी दे दी है या फिर इसको एक क्लू दिया है, हिंट दिया है कि ये समझ जाए कि ये किस कनेक्शन में है आपके साथ। काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इस कनेक्शन को लेके, जिसके लिए ये सोचते थे पता नहीं ठीक है या नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बट अब इसके पास कॉन्फिडेंस है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब रिकवरी करना चाहिए, अब माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक है, अपने पर्सन को, जिसको मतलब ये सोचते हैं कि मैंने अपने पर्सन को बहुत हर्ट किया है, अब मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तभी तो देखो ना, आपको भी ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मेरा पर्सन मेरे पास आ रहा है, तभी ये कार्ड यहाँ पर आया है। और देखो, फुल मून, अगेन फुल मून, अगेन फुल मून गाइज, और देखो सन भी है यहाँ पर, मून एंड सन, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन, टोटली स्पिरिचुअल कनेक्शन। गाइज, यू आर लक्की दैट यू आर इन दिस जर्नी। और ये जो पर्सन है ये अब आपको भी फीलिंग आ रही है, आपका एनलाइटनमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है,
आपको फीलिंग आ रही है कि यस ये पर्सन आ रहा है मेरे पास, आप इसके साथ बहुत हद तक टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, आपका टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन हो रहा है इस पर्सन के साथ, और अब मुझे लगता है कि इस पर्सन को बहुत हद तक समझ में आ गया है और इसलिए आपका विश्वास बढ़ रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। अब ये पर्सन डिस्कवर करना शुरू कर देंगे और ये तभी चैन से बैठेंगे जब इसको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। आपने यूनिवर्स पर काफ़ी भरोसा किया हुआ है, इवन आप अपसेट भी होते हैं, सैड भी होते हैं, फिर कभी कभी खुश भी होते हैं, बट स्टिल यू हैव फेथ इन द यूनिवर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने विश्वास बनाया हुआ है, और यूनिवर्स भी आपको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये जर्नी देने वाले यूनिवर्स ही हैं आपको, और इसमें आपका साथ अगर ये छोड़ देंगे तो ये अनफेयर हो जाएगा। गाइस अभी भी ना मैं आपको एक तरीके से अलर्ट यहाँ करना चाहूँगी, अभी भी आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी सक्सेस से खुश नहीं हो रहे हैं, जेलेसी रख रहे हैं, ठीक है, ये आपके बहुत क्लोज मेंबर भी हो सकते हैं, दूर के भी हो सकते हैं, बट स्टिल ना इनको जेलेसी है, इनको डाइजेस्ट नहीं होती आपकी सक्सेस, इसको बहुत ज़्यादा इन पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि क्यों ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप शायद हो सकते हो कि उन लोगों के काम नहीं आ रहे हो तो इसलिए वो आपको हेट करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहो। देखो जैसे इस बास्केट से इस ड्रैगन ने ये फ्रूट उठा लिया है, ऐसा नहीं है कि ये जो पीपल जो जेलस फील कर रहे हैं आपके लिए, ये आपको आपके पैसे ले जाएंगे या कुछ, लेकिन ना ये आपका ऐसा पीस ले जाएंगे आपसे जो आपके मैनिफेस्टेशन करते वक्त फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि आपको गुस्सा दिला देते हैं, ठीक है, आपको उकसाते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दें, ठीक है, आपको मतलब ट्रिगर करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो ऐसे लोग ना आपके साथ हैं, ये आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इनसे आप कैसे बचोगे, कैसे डील करोगे, मुझे लगता है ये लेसन आपका अभी भी पेंडिंग है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। यूनिवर्स तो आपके साथ है, आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी ना आपको तो अपने बिहाफ पर इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं ना, तो इसीलिए अब ऐसे लोगों को कैसे निपटें ऐसे लोगों से, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप सच में बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपके पार्टनर भी अच्छे ही होंगे जब आप इतने अच्छे हैं तो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की वाइब्स मैच करती है एक दूसरे से, तो बस थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स आप अपने अंदर और ले आओ तो हो सकता है कि ये जो रिकवरी है इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और आपके लाइफ में अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल गुड न्यूज़ जो मुझे यहाँ दिखी है वो ये है कि फुल मून पर सच में आपके पर्सन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है, बहुत चीज़ों के बारे में इस पर्सन को पता चला है, डिवाइन ने ही बताया है इस पर्सन को। और देख लेते हैं और क्या आता है। थर्ड चाक्रा, चलिए अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता था कि अभी बात करनी ठीक नहीं है, अभी कुछ भी बोलना या खुद से स्टेप लेना ठीक नहीं है, लेकिन भगवान आपको ऐसे मौके देंगे जब आप अपना थर्ड चाक्रा बैलेंस कर पाएंगे, आप अपने बातें बता पाएंगे स्पेशली अपने पर्सन को। अभी आपको भी थोड़ी हेजिटेशन है, बता नहीं पा रहे हैं आप भी, नंबर 5 ये एक चैलेंजिंग नंबर भी है। पेशेंस, कोई बात नहीं, जब तक आपका थ्रॉट चक्रा ओपन नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है, इस पर्सन को जल्दबाजी नहीं है, ये आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है डे बाय डे, डिवाइन के साथ सपोर्ट बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। वाओ गाइस, ये पर्सन तो देखो पेशेंस रखे हैं, लेकिन आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इसको याद आ रहा है, आप इसकी एम्प्रेस हैं, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए एम्प्रेस हैं, जो चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ट्रू लव से भी देख लेते हैं, यहाँ ट्रू लव कार्ड से क्या आने वाला है आपके लिए। आप अपनी लाइफ में जितना हो सके इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करो, ये अबंडेंस, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में सारी टेंशन छोड़ के ट्रिप बनाओ, अच्छी अच्छी जगह पर जाओ, मुझे लगता है आप नेचर लवर हैं, ठीक है, तो अपने हॉबी को फॉलो करना पड़ेगा, और हॉबी तभी फॉलो की जा सकती है जब आप टेंशन फ्री हैं, व्हेन यू हैव इनफ टाइम टू परस्यू योर हॉबीज।
ओके रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, आपके पर्सन अपने आप को चेंज करेंगे अब, क्योंकि सॉरी बोलेंगे ना आपसे, सॉरी फील कर रहे हैं तो अपने आप को चेंज करेंगे, अब नए तरीके से सोचना समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ दिखी है। चलिए अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये जान लेते हैं। या बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे सबसे पहले तो ये पर्सन, जितने भी इस पर्सन की लाइफ में अब कंफ्लिक्ट है, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको सॉल्व करना चाहेंगे ये पर्सन, अपने ब्रोकन हार्ट को हील करना चाहेंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड यस, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये अपने ही पर्सनल इश्यूज खत्म करेंगे, अभी मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके पास, आपके लिए कोई एक्शन नहीं है अभी, पहले अपने पर्सनल इश्यूज ये हील करेंगे, देन ये आपके पास आएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर इस पर्सन, अगर ये पर्सन जब तक अपने पर्सनल इश्यूज नहीं है सॉल्व करेगा तो ये नहीं आ सकता आपके पास, तो आपको तो इस चीज के लिए हैप्पी होना चाहिए कि आपके पर्सन फाइनली अपने पर्सनल इश्यूज खत्म करेंगे एंड देन फ्री हो जाएंगे, फिर वो इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे और आपके पास आएंगे। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं। यू गिव मी इनफ स्पेस, आपने इस पर्सन को इनफ स्पेस दिया है, ये समझते हैं इस बात को, इसको पता है आप इसे भूले नहीं हो, बस आपने इसको स्पेस दिया है कि भाई करो, अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो, जानो, आप भी अपने आप से सीखो, जानो इस जर्नी के बारे में और अपने इश्यूज हील करो, तो आपने इसको स्पेस दिया है, ये बात जानते हैं ये पर्सन। यू अप्रिशिएट मी, आप इस पर्सन को अप्रिशिएट करते हो। एंड यू ट्रस्ट मी, आप इस पर्सन पर ट्रस्ट भी करते हो, ये भी पता है। एंड यू आर वेरी फॉरगिविंग, ये भी बात पता है इस पर्सन को कि आप माफ़ भी कर दोगे जब ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, सारी बातें तो पता है, इसका मतलब पूरी तरीके से पता है कि आपने इस पर्सन को अपना दिल दिया हुआ है, और जब दिल दे दिया है तो अब आप वेट भी कर सकते हो, माफ़ भी कर सकते हो और बहुत सारा प्यार भी कर सकते हो, तो ये सारी बातें पता है इस पर्सन को। ओके, तो गाइज दिस इज योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।